जी बेबी, पापा कीचू सब बोल रहे, पापा दादा नीना नाना। तुम पता तो यार आज दिन आ चुका है जब हम लोग निकल रहे हैं सुरभिताई के साथ, और जिस सुबह से एक्चुअली मैं अब जाके ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। कीचू ऑलरेडी सो रहा है, हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, अभी चल रही है पैकिंग। फिलहाल हमारा निकलने का टाइम हो चुका है, लक्की भी हमको, सौरभ भैया हमको छोड़ने जा रहे हैं। ये कह रहे मेरे को लक्की मत बुलाओ यार, तुम सब लक्की बोल रहे हैं। भैया नाम सौरभ, बचपन की याद आ जाती है ना, एक्चुअली ये है ना, बड़े और लक्की निकनेम ना आपस में रखने चाहिए। जैसे मेरे को अज्जू बुलाते हो तो सब अज्जू नहीं बुला सकते ना। हाँ लेकिन आप लोग बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ना ग्रीन हो जाती है दिव्या, मेरा आई उसका वॉच का चार्जर उठा लेता ना। हाँ जी ठीक है, चलो गाइस निकलने का टाइम हो चुका है, रो जल्दी मिलेंगे ठीक है। आपको भी याद दिलाना पड़ता है कि ओ जी जी इसको देखिए था उसमें लाइट दिख गई, इसको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में आ गया उसको बहुत बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। खूब एंजॉय करो डार्लिंगटन में भाई, मैं तो ऐसे चाहता हूं अगर तुम नहीं निकले ना तो डोंट, चलो लेट्स लीव ये पे भाई भाई करते पैक ना, आप पैक क्यों देते हो चीज यहाँ पे रखे हैं तो मेरे को लगा फेंक नहीं होंगे। ले आई ना कपड़ों फेंकने की बात कर रहे हो, फेंक दूँ ये अच्छा था, फेंक दूँ ये भी रख देता ना पीछे, ये तो आ जाते हैं ये बहुत बड़ा है उधर से एक। हाँ जी क्या मामा तू देख रहे हो खुश हो जाता है ये, अरे ये अभी से ब्लॉगर बन गया है बता रहा हूँ तुम्हें, है भाई ब्लॉगर ये। ये ऐसे खुलता है, सीधा हो जाता है, पास करेंगे। अच्छा ये खुल रहा है। हाँ। अच्छा ऐसे खुलता है ये। हाँ। ये ऐसे बोल रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो जाता है ये। वाओ एयरपोर्ट पहुंच गए गाइस हम लोग, भाई गाड़ी लगा रहे हैं। हाँ। आगे ऐसे कैमरा देखते बस हमारी आई थिंक 1.5-2 घंटे में फ्लाइट है ना अभी। हाँ। हाँ, 2 घंटे में तो अभी थोड़ी देर एयरपोर्ट पर बैठेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद वील बोर्ड द फ्लाइट। भाई मेरा व्लॉगिंग सेटअप है समझ रहे हो, इतना भारी, यहाँ से आओ ना इधर से आओ, देख कैमरा देखते हैं सर देव। बाय, चलो यार ध्यान से आना और जल्दी आना। हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ सी यू सून वाला सून कर देना किचू, नमस्ते करो मामू को। सिक्योरिटी चेक डन, अभी हम अंदर जाएंगे और आई थिंक हाफ एन आवर में बोर्डिंग है हमारा। थैंक यू, कैमरान हो गया, पक्का व्लॉगर है ये, पक्का व्लॉगर है। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रैवल विद बेबी बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ लगेज, सो वी आर ओनली कैरिंग वन बैग एंड देन मोस्ट ऑफ द लगेज इज फॉर द बेबी। स्प्रिंग वाटर प्लीज कीप योर सीट बेल्ट फास्टन ऑन द सीट बेल्ट साइन इज ऑन एंड
Finally we have reached Newcastle. Yes. Yeah, okay, fine. पूरी फ्लाइट में सही था ये, बस एंड में क्योंकि थोड़े से कान ना ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं लैंडिंग के टाइम पे, तो बहुत तो हाँ एयर प्रेशर की वजह से, तो ही बस ऐसे कान पे बार बार हाथ लगा रहा है, कह रहा क्या हो रहा है यार ये, क्योंकि रो रहा था क्योंकि अच्छा पापा मेरे को भी लो व्लॉग में ऐसा बोलते, क्योंकि ना मोस्टली ये सो रहा होता है जब हम इसको लेके जाते हैं, तो आज ये जगह हुआ था, फ्लाइट वैसे एक घंटे की थी तो हमें लगा कि इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ जी, चलते रहो भाई, चलते रहो। चलो हाँ जी ताई, फिर yes. पहुंच गए तुम्हारे घर के पास। yes. कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है, घर जाके और अच्छा लगेगा। चलो ठीक, डॉक्टर साहब ने सारी तैयारियां कर दी हैं वहाँ पे। yes. चलो आपको मिलाते हैं डॉक्टर से भी हमारे। तो रवि आ चुका हमको लेने, मतलब आरजे रवि जीजू, मतलब सुरभित आई के हस्बैंड, और यहाँ पे एज अ डॉक्टर काम करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन NHS। अरे डॉक्टर साहब, तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सुरभिता के घर। भाई कम से कम एक घंटा तो लग गया हमको, है ना? कीचू तो गाड़ी में ही सो गया था। साइकिल वाली चद्दर क्या है? चद्दर नहीं, ये स्क्वाड में नाइट सूट चद्दर। ये साइकिल वाली नाइट सूट है। अब बन रहा है कुछ खाने पीने के लिए, और उसके बाद फिर हम खा पी के सो जाएंगे। वैसे सोएंगे तो नहीं, अब थोड़े गपशप होंगे, उसके बाद चाय के ऊपर गपशप होंगे, उसके बाद सोएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब तक आप घर पहुंच नहीं जाते ना तब तक आपको बहुत टायर्ड महसूस होता है। जब घर पहुंच के मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, एकदम कोजी सा माहौल है यहाँ पे, और इस घर की जो खिड़की है ना, इसके बाहर एक स्ट्रीम है, उसके यहाँ पर आपको आवाज़ सुनाता हूँ, दिखाएंगे आपको कल। आवाज़ आ रही है? तेरे को डायलॉग नहीं दे रहे ना अपन? तो यार हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और जब हम 2019 में आए थे ना, तो एग्जैक्टली सुरभिता यहीं पे रहती थी, इसी जगह पे, बट एडजेसेंट बिल्डिंग में। और इस जब हम चले गए उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए थे हम, और अभी कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि हम लोग यूके आए हैं और ये लोग वापस इस जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। तो अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, क्योंकि सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे आके रहेंगे कभी, ऐसा कोई प्लान नहीं था एज सच। और किस्मत ने पता नहीं कौन सा मोड़ लिया, हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, हम उसके पीछे लग गए, चीज़ें एग्जीक्यूट होती गई। तो ठीक है, आज यहाँ तक पहुँचे, और आज इस जगह पे आके ऐसा लग रहा है कि वाओ, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के सवाल है यार, मैं मानता हूँ काफ़ी सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं कि अब कब बनाओगे वीडियो, कब बनाओगे। यार हमको जेन्युइनली टाइम नहीं मिल पा रहा, और जब तक दिव्या का यूनिवर्सिटी का वो सब सेटल नहीं होता ना, हम लोग शायद सिट डाउन वीडियो बना ही नहीं पाएंगे। सो वी स्टिल नीड 15-20 डेज, क्योंकि अभी हम अभी भी यू नो वी आर स्टिल सेटलिंग डाउन। जितने मर्जी लोग हों, चुकर से मम्मी चाहिए होती है, तो दिव्या फ्री ही नहीं होती कभी। जैसे ही हमको मिलेगा ना साथ में बैठ के वीडियो बनाने का टाइम, वी विल मेक अ Q&A, क्योंकि हम खुद भी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन से वीज़ा पे हो, क्या है, तो उसका पूरा प्रोसेस का प्रॉपरली हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसलिए मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता आपको, दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू टेक टाइम, आराम से बैठ के उसके ऊपर हम यू नो, क्योंकि दिव्या और मैंने पूरा प्रोसेस साथ में किया है, तो हम लोग साथ में वो डिस्कस करेंगे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मेरा क्या था, और किस तरह से हम सक्सेसफुली UK में हम आ गए हैं। एनीवे आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।